गाइज यार, स्वागत है आपका एक नए गेमिंग वीडियो में। गाइज यार, हम लोग हमारे छत के टेरेस पे। तो गाइज यार, मैंने मेरे आपको जैसे कि पता ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में बनाया था एक घर, तो मैंने उसको पूरा डेकोरेट कर दिया है। देखो गाइज, मैंने यहाँ पे पूरे फ्लावर्स के पॉट्स लगाए हैं और ऊपर से सारे मतलब ट्रीज के ये लगाए हैं लीव्स, और यहाँ पे स्टोरेज एरिया बनाया है, और इस साइड में पूरा स्मेल्टिंग एरिया है, और यहाँ पे चेस्ट है, और ऊपर मैंने पेंटिंग्स लगा दी थी, और इस साइड में एक डायमंड का आर्मर है, एक आयरन का आर्मर है, और यहाँ पे एन्चेंटमेंट टेबल है, तो इसमें हम लोग कुछ भी एन्चेंट कर सकते हैं। तो अब यार कब चलते जाते हैं हैं? नीचे। तो आप लोग ओह सोच रहे होंगे कमाता कि मैंने डेंजरस क्या गाइस। बनाया है, तो मैं बताऊंगा आपको। तो हाँ इधर यार, तू देखिए, भी मैंने एक कम सोफ़ा करते ना बनाया भाई, है, और सामने एक चार टीवी पांच हट टाइप खा लेता है वो बनाया है मैंने कुछ, एक तो तो। और ये कहाँ से आ गया बीच में। गाइस यार, तो मैं ये ऊपर से नीचे आ नोड़े रहे हैं ऐसा क्यों वाइन्स, कर रहा हूँ मुझे समझ और में नहीं आ देखो रहा। गाइस पेंटिंग सी लगा रखी है मैंने, पूरा भर तो रखा है। गाइस यार, पहले सोते हैं फिर चलेंगे हम लोग नेदर पोर्टल में। और ये आपको दिखाऊंगा मैं। तो गाइस, मैंने बाहर बनाया एक ऑब्सीडियन की तलवार, गाइस मुझे एक और ट्री वो हाउस भी एक बनाना नेदर है हमारे पोर्टल है वर्ल्ड हमारा, में, जिसमें मैं अभी तो तक मैं गया वो नहीं हूँ, बनाऊंगा। और आप तो जाएंगे इस वीडियो में। यार, और गाइस, ये आज हमें थंडरस्टॉर्म बनाना वाली है एक बारिश पूरा नहीं हो रही, नेदरराइट का नॉर्मल आर्मर, बारिश। तो ये आज का हमारा गोल है। तो देखते चलिए हैं हम इसको चलते हैं कंप्लीट नेदर कर में। पाएंगे या नहीं। तो गाइस, मैंने इस साइड में आयरन फार्म्स बनाने का ट्राई पता किया नहीं था, यार हमारा स्पॉन कैसे लेकिन होने वाला है। दो काम नहीं करे, एक काम करता हमें है, और इधर इसमें बाहर स्पॉन हो एंशियंट रखे हैं डेब्रिस आयरन यार गोलेम। मिल जाए तो तो मजे गाइस आप, यार, क्योंकि इसको वो मैंने 90s 100 स्टोन के फार्म में बीच में ही कन्वर्ट थे, कर दिया है, और एक ही मतलब जगह इसमें पे से हमें तीन अब चार कॉबल स्टोन भी थे। मिलते हैं, और तो ये पहले आयरन देखते फार्म कैसे था, स्पॉन लेकिन ये होगा। काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। और इधर तो आयरन फार्म गाइस है, यार, तो मुझे हमारा पहले इन स्पॉन तो गोलेम्स एक को मारना पड़ेगा। तो केव में है शायद, देखता हूँ रुको मैं यार गाइस, सामने जाके। हाँ मार रहा हूँ, यार एरो से ये मार केव दो कहाँ इसको। पे रुको, खुलती है? इसको भी मारता ये तो हूँ कोई खुलती ही नहीं। जब तक गाइस ये गोलेम्स नहीं मरते और गोलेम्स स्पॉन नहीं तो होते। यार क्यों में स्पॉन है हमारा फोर्ट्रेस के लिए, मुझे पूरा खोद के जाना गए। शायद से अबे ये क्या कर रहा हूँ मतलब मैं, ब्लू बायम और अबे रेड यार बायम शिट, के बीच में की एरिया अब है, दोनों क्योंकि मिलके यहाँ पे मुझे ब्लू जम के कलर के कूटेंगे। वाइन्स भी है, अब इधर और यहाँ एक पे तो वो ये जगह बायम का प्लेन और करनी है गोल्ड। मुझे। चलिए इसको इकट्ठे गाइस करते ये हैं, देखो, मैंने और वाटर डाल मैं दिया ये, यहाँ से स्ट्रेट डिगिंग करूँगा ताकि लेकिन हमारे यार मुझे नेदर भी सेंटर पोर्टल में के खड़ा एकदम होने स्ट्रेट को पे नहीं आ हैं। रहा है अब, तो देखते वाटर हैं हमें मुझे भी एंशिएंट धक्के दे डेब्रिस रहा है, मिलते हैं नहीं, और ये मेरे तो आसपास स्ट्रेट नहीं आ डिगिंग सकते। करते रहूँगा मैं। लेकिन कैसे तो चलिए मारूँ इनको, ये स्टार्ट वाटर करते मुझे हैं भी हमारे धक्के दे रहा है, तो मैं एंशिएंट इधर डेब्रिस चढ़ा और ढूंढना। ये मुझे मारने यहाँ लग से जाएगी, स्ट्रेट डिगिंग करता हुआ ये मुझे मारने लग जाना जाएगी। पड़ेगा मुझे बहुत दूर, ओ माय गॉड, मुझे मतलब निकलना इतने पड़ेगा। आसानी से तो हाँ, नहीं मैं मिलने हेल्थ वाले बढ़ाता हूँ गाइस पहले। वो एंशिएंट डेब्रिस। यार गाइस अभी इधर से आ जाएगा। भाई यार, एक वीडियो में मैंने हाँ, अगर इधर नेदरराइट इधर का से फार्म मार बना सकता हूँ, दिया तो लेकिन गाइस इधर से तो मैं उनको 50 मार भी लाइक नहीं होने सकता चाहिए। इतना दूर। हाँ, एरो से मारता हूँ। ओ माय गॉड लावा, ओ माय गॉड, लेकिन यार ऐसे इधर तो इनको पानी भी मारने में खाम नहीं बहुत कर देर पाऊंगा, लग जाएगी। मेरे पास ब्लॉक भी नहीं है हाथ में। ओ माय गॉड, नेदर एंशिएंट डेब्रिस, मैं तो मर जाऊंगा यार। गाइस यार इनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा होती है। थोड़े से मुझे अब कितने एरो, आर्क्स चलो आते हैं? वापस लाते सारा सामान। गाइस मुझे वहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस दिखा था, गाइस वो देखो वहाँ पे एंशिएंट हाँ, एक डेब्रिस। तो मर गया गाइस, फाइनली गाइस दूसरा भी मरेगा, एंशिएंट और डेब्रिस, ओ माय ये गॉड, लास्ट वाला वहाँ गाइस क्या यार, मस्त और एक दिखता पान, है ये। और ये भी रुक मर के गया मुझे गाइस। सब कुछ चलो पहले वाटर सॉर्ट उठा करने लेते दो, अब। मैं मर गया था तो सारा इधर सामान डाला निकल था मैं लिया। सेंटर, हाँ मिल गया। तो गाइस ये है हमारा वर्किंग आयरन ऑब्सीडियन फार्म, लाए है मैंने, और इसमें से सारा क्या पता क्यों लाए मतलब है, आयन मैंने है। बहुत सारे इसका ऑब्सीडियन मैंने तोड़े वीडियो थे डाल क्योंकि रखा है हमारे घर के हमारे पास ही चैनल दो पे, दो लावा तो पुल है, वहाँ से मैंने बनाया तोड़ते है, हैं इसको मतलब पहला। वैसा ही है इसके सेम। पास और दो तीन हो और गए, आप लोग को वो अगर दूसरा बनाना इसके है ऊपर तो है, आप लोग भी वहाँ से इसको भी बना तोड़ते सकते हैं। हैं। तो गाइस तो हमें एक इंगट यहाँ पर बनाने के लिए मैं आपको अंदर से एक दिखाता हूँ। अरे कम क्या से कर रहा कम हूँ अभी चार मैं, चाहिए होते, क्या यार, चार क्या नोबड़ापंदी चालू है मतलब इधर। स्क्रैप्स चाहिए होते नेदर स्क्रैप्स, अब मैं और वापस ये नीचे वो कूद गया, स्क्रैप्स बनते हैं नेदर क्या कर रहा एंशिएंट हूँ मुझे ही डेब्रिस से। समझ में नहीं आ रहा है तो यार। एक इंगट के लिए अब हमें मैं वापस नीचे कूद टोटल रहा हूँ चार एंशिएंट डेब्रिस चाहिए, और हमें टीन मिल गाइस, गए मैं हैं, सच में तो नोबड़ापंती का टाइगर स्ट्रफ हूँ। और एक मिल गया तो एक इंगट बन जाएगा। तो
यहाँ पे मैंने बेड्स लगा के रखे, यहाँ से गोलेम स्पॉन होते हैं और एक इंगट अंदर से को जाते हैं, कोई भी एक यहाँ पे चीज सारे हमारी विलेजर्स नेदर हैं। राइट की बन जाए। तो ये आप लोग गाइस यार देख डर लेना, मार रहे, दूसरे वीडियो में स्पेशल वीडियो बनाया मैंने हाउ टू मेक आयरन फार्म वाला, तो गाइस मैं उसको भी मिलता हूँ लाइक आपको जरूर सीधा करना। और मिलने यहाँ के पर बाद नीचे हमें स्पॉन इसी हो गए लेवल। है। गाइस तो गाइस ये जब मैं नीचे स्पॉन काफ़ी हो दूर जाता आ है गया हूँ तो और अभी भी मतलब स्ट्रेटिंग ये का मरे वगैरह दूसरे वो गाय स्पॉन नहीं मिल गया होते, हमें तो चौथा इनको इंगा, हमें मारना पड़ता है। तो और देखते हैं इसमें इनको क्या मैंने होता मार दिया और ये मेरे पीछे पड़ गए। रुको मैं इसको उधर भगा के है। लेके गाइस जाता हूँ मेरे घर की तरफ। ये तोड़ तो लेते हैं गाइज हमें चौथा नेदर इंगा में भी जाना है आज, और तो देखेंगे कैसा है नेदर हमारा स्पॉन किस जगह चलो पे। इसको कलेक्ट करते हैं। गाइज ओ यार गाइस प्लीज इसके ऊपर यार, दो है और रेड बायोम हो, फोर्ट्रेस मिल जाए तो मजे ही मजे गाइस अपने। हमारे तो वो आ रहा एक है ना, इंगट तो आ बन भाई जाएगा ताऊ जल्दी से, और बहुत काम है मुझे। दो इंग, ओ भाई और एक है। कितने इंगट बनेंगे हमारे, किधर है कम से बे कम ओए? हमारा आर्मर तो बन जाए नेदरराइट का, ओ बहुत हो भाई बहुत जाएगा। भागते हुए आए बे साले, और करते तोपते हैं हो दा स्ट्रेटिंग, दुंदा ताले। बहुत आगे जाना पड़ेगा गाइस मुझे। रुको तो इसको मिलता मैं हूँ इधर आपको से सीधा मारता, डेब्रिस मिलने के वो बाद। दरवाजे के अंदर मारता है, मेरे तो घर में आके मुझे मारता है। गाइस यार आप तो बहुत दूर आ गए हो, एक तो इस मैं पे क्लिक हो नहीं जा रहा है, करते हो। दरवाजा बंद हो रहा है। ओ गाइस मिल गया हमें, गाइस रुको इसको मुझे फाइनली मारना बहुत पड़ेगा ठीक माइनिंग से। के बाद मिल गया हमें। गाइस यार क्या गाइस नोबड़ापंती कर रहा हूँ मैं, इसको मैं हाथ में रख लेता तलवार हूँ। से मार। 7 डेब्रिस हो गए हैं, मतलब ये यार डेंजरस एट आके इसकी डेब्रिस है। नाक इससे तो इतनी हमारे बड़ी दो हुई। इंगट बन जाएंगे और दो इंगट से अबे हमारे यार चेस्ट कैसे मार प्लेट पा और रहा है दरवाजे लेगिंग्स के पीछे बन से, जाएगी। इसको भाई नीचे क्या माइन के हुए मरता क्या है नहीं आज के दिन। अब इधर से गाइस? आए, ये मिल गया हमें रुको मुझे और इसके सामने ऊपर जाना और एक पड़ेगा है, फिर ये सामने। तो 10 मिल गया हमें गाइस यार क्या और दो मस्त मिल फील आ जाएगी रही तो है अपने हमारे 3 एयरपोर्ट इंगट बन टनल की, जाएगी। तो इसको मैं और और गाइस यार डेकोरेट मुझे करूँगा, ऐसे लगता लग है रहा है कि जैसे हमें कि तलवार TNT से घुसा माइनिंग रखी है, करनी चाहिए क्योंकि क्योंकि ऐसे मतलब हमारे जंगल में नेदर, तलवार मतलब घुसा के हमारे रखी है ऐसे पिकेक्स लग की रहा है, HP बहुत क्या ज़्यादा है, तो डेंजरस वाइब आ रही है अब। इसलिए TNT से मतलब जान दो ये कुछ मुझे काम को लगता है हम लोग खूब। XP फार्म तो बनाए। देखो गाइस यहाँ पे तो मैंने एक गाइस स्टोरेज एरिया बताना बनाया है, कमेंट में XP फार्म तो के लिए, और PC यहाँ गेमिंग पे भी स्टार्ट सारा होने आयरन वाली है फार्म का जल्दी। सामान आता है हमारा, तो तो देखते चलिए कितना। कंटिन्यू ओ माय करते हैं, गॉड इतना मैं यहाँ आयरन से ही कलेक्ट करने हो वाला गया। हूँ स्ट्रेटिंग, गाइस ये सारा कुछ भी हो आयरन जाए फार्म से मैं आता यहाँ है, से ही इधर करने वाला हूँ मैंने अंडरग्राउंड स्ट्रेटिंग। ट्रांसपोर्ट कर लिया है। और ये ये बहुत ही बहुत घटिया लकी बना के रखा है उसके मुझे, क्या माइन बना है मतलब मुझे ही समझ माइनिंग में का नहीं आ रहा है है, मेरी कुछ दिखाई भी स्ट्रेटिंग नहीं का, दे रहा है। ये तो बहुत मैं इसको लकी अच्छे था से मेरे लिए। बनाऊंगा एक मतलब बेस एक की तरह, वीडियो में मेरा और पूरा सारा आर्मर बन हमारा जो जाएगा तो सारे अच्छा फार्म्स होगा। का सामान है वो इधर आएगा, तो वो भी मैं इंतज़ाम करूँगा, मतलब हमारे घर के नीचे ही चलिए सारा अब मैं सामान। मिलता हूँ और ये आपको ऊपर फिर से जाने के लिए मैंने मिलने के सोल सैंड बाद। लगाया है इधर, तो ये मेरे तो चलिए बाहर चलते, तो गाइस बहुत बाहर देर हो अंधेरा गया, हो ऐसे ही गया। होता है ये एंशिएंट एवरेज का, अबे अभी एक तक बार तो मैंने मिलते क्या हैं तो दो नोबड़ा, तीन मिल जाते एक। ओ गाइस मिल गया, मिल गया, मिल गया फाइनली बहुत टाइम के बाद। कलेक्ट करता हूँ सारे, टोटल 12 हो गए। इससे आपने 3 इंगट बन जाएंगे। ओ भाई आगे आगे क्या माइन है शायद, इससे हमारे 3 इंगट बन जाएंगे और 3 मिल जाएंगे तो हमारे 4 इंगट और पूरा आर्मर नेदराइट का हो जाएगा। तो गाइस मज़े आ जाएंगे आपने तो। चलिए करते स्ट्रेट माइनिंग एकदम इसके आसपास। नहीं वो गाइस मिल गया मुझे, मैं बोला था आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको, मतलब मैं आपको डायरेक्ट मिलने के बाद दिखा रहा हूँ। तो ये देखो इसके पास आसपास होते हैं गाइस, एक दूसरे के आसपास होते हैं। तो गाइस यार 14, 15 और 16 इसके नीचे और एक है और इससे हमारा पूरा नेदरराइट का आर्मर बन गया है गाइस फाइनली। तो गाइस यार बहुत खुशी हो रही है, मतलब एक वीडियो में हमने पूरा आर्मर बना लिया है। इट इज़ वेरी प्राउड थिंग टू स्पीक, मतलब ये आसानी से मिल जाता है बराबर, मतलब हाइट ठीक होनी चाहिए तो ये आराम से मिल जाती है एंशियंट डेब्रिस। और गाइस और मैं माइनिंग करता रहूँगा, आप तो सारे टूल्स नेदरराइट के होगी। 17 हो गए हैं और चाहिए हमें सीधा। चलता हूँ, चलता
गाइस यार मेरे पिकैक्स की हेल्थ भी बहुत जा रही है, तो मैं एक्सपी फार्म बनाऊंगा हमारे इसमें, और मैं सोच रहा हूँ कि अब तो नेदरराइट का आर्मर बन जाएगा, तो उसके लिए हमें एन्चेंटमेंट भी चाहिए, और एन्चेंटमेंट के लिए हमें विलेजर्स चाहिए, और मैं एक ट्रेडिंग हॉल बनाऊँ, तो अभी ओ गाइस मिल गया और 18 हो जाए हमारे पास, 18 में तो खैर 4 ही बनेंगे, और 2 चाहिए फिर 5, ओ मिल गए गाइस और 2 मिल गए गाइस। यार क्या ही मज़ा आ रहा है ये वीडियो में, बीस मिल गए गाइस। बीस से हमारे 5 इंगट बन जाएंगे, इससे हमारी तलवार भी नेदरराइट की हो जाएगी। मुझे लगता है पिकैक्स बना लेते हैं, क्योंकि पिकैक्स का ज़्यादा यूज़ होता है, तो चलिए। ओ माय गॉड किधर गिरा हूँ मैं नीचे, मुझे लगा है मारने को आया मुझे, मैं कितना डर गया ब्रो। मुझे तो ब्लॉक प्लेस करके जाना पड़ेगा, मैं स्ट्रेट माइनिंग तो कंटिन्यू ही रखने वाला हूँ अपनी, कुछ भी हो जाए चाहे। गाइस यार हमारे केव का कहीं तो ओपनिंग है, तो देखेंगे बाहर जाके बाद में, अभी तो खैर हम नेदरराइट का आर्मर बनाएंगे, बाद में हमें और फोर्ट्रेस ढूंढना है, बेस्टियन। मुझे लगता है वापस चलना चाहिए, लेकिन मैं कंटिन्यू करूँगा, कुछ भी हो जाए आज तो मैं सारे टूल्स बना के जाऊँगा नेदरराइट के। गाइस यार मैं सीरियसली 2 घंटे से खेल रहा हूँ, और इतने देर से माइनिंग कर रहा हूँ, इसलिए एक वीडियो में सारे हो गया हमारे नेदरराइट का। तो ये वीडियो बहुत छोटी आएगी आपको, क्योंकि मैं इसको एडिट कर दूँगा। चार्जिंग भी ख़त्म हो गई मेरे फ़ोन की, भाई सामने क्या डेंजरस लावा पूल है, मैं तो जा रहा हूँ वापस, मुझे नहीं जाना होगा। आसपास कुछ है क्या देखने दो ज़्यादा, मुझे कुछ भी नहीं है, चलो वापस। ओ गाइस मैं यहाँ पे, ये छूट गए थे मेरे से गलती से, ओ माय गॉड इतना बड़ा लॉस्ट हो जाता मेरा। चलो तोड़ता हूँ इनको, तो गाइस यार टोटल हमारे 6 इंगट बन जाएंगे, इसमें हमारा पूरा आर्मर और हमारी तलवार और पिकैक्स दोनों नेदरराइट की हो जाएगी। और देखता हूँ और किधर छूटा है क्या, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसे कर देता हूँ, आसपास के छोड़ देता हूँ। तो ओ गाइस जिधर छोड़ गया था मैं, गाइस यार मैं भी बहुत भुलक्कड़ हूँ स्ट्रेट माइनिंग के चक्कर में, साइड साइड में देखते ही नहीं। और गाइस अरे यहाँ पे पूरे के पूरे 7 इंगड़ बन जाएंगे, इसमें हमारी एक्स तलवार पिकैक्स आर्मर सब कुछ नेदरराइट का बन जाएगा। वो 4 मिल जाते तो यार हमारी शावल भी नेदरराइट की बन जाती, और सारे टूल्स नेदरराइट। ओ गाइस यार क्या भुलक्कड़ हूँ यार मैं, पूरे 12 डेब्रिज छोड़ गया मैं। गाइस यार मैंने स्ट्रेट माइनिंग के चक्कर में सिर्फ ऐसे मोबाइल पे बटन दबा के रखा, और मैंने देखा ही नहीं कुछ आसपास से जा रहा है नहीं। गाइस यार इस
में तो हमारा सब कुछ नेदरराइट का बन जाएगा। तो गाइस इट वाज अ वेरी लकीएस्ट माइनिंग, पूरा सारे टूल्स आर्मर हमारे नेदरराइट का बन जाएगा। तो मुझे तो अब घर जाने का इंतज़ार है, क्योंकि मुझे घर जाके अब इनको स्मेल्टिंग के लिए लगाना है और सारे आर्मर्स को कन्वर्ट करना है और इनको मेंडिंग वो भी लगाना है। तो वो तो देखेंगे, मैं बनाऊंगा एक ट्रेडिंग हॉल विलेजर्स के लिए, जिसमें विलेजर्स रखूँगा, उनको मैं मतलब उनकी जॉब्स दूंगा और उनसे ट्रेडिंग करूँगा भरपूर। वही इधर इधर एंडरमैन भी स्पॉन होते, थोड़ा गोल्ड लेके जाता हूँ क्योंकि किंगड बनाने के लिए गोल्ड चाहिए हमें। तो गाइस यार मैं आ गए हमारे ओवरवर्ल्ड में। तो गाइस यार तलवार कितनी तगड़ी लग रही है, मैंने ऑब्सिडियन से बनाई है, इसके लिए बहुत सारे ऑब्सिडियन तोड़ने लगे मुझे, इसलिए मेरी पिकैक्स की हेल्थ इतनी कम हो गई है। तो चलो यार बनाते हैं इंगट्स। तो यार मैं इनको लगाता हूँ स्मेल्टिंग के लिए। मिलते गाइस आपको थोड़ी देर में। गाइस यार इनको मैंने इस पर लगा दिया था स्मेल्टिंग के लिए, और स्मेल्टिंग टेबल भी है हमारे पास। यहाँ पे स्क्रैप्स आ गए हैं सारे, गोल्ड भी ले लिया मैंने, चेस्ट में रखे हुए था, माइनिंग पे गया था मैं एक दिन। वो ऑफ वीडियो में बहुत सारी चीज़ें करता हूँ जो आपको दिखा नहीं पाता हूँ, सॉरी गाइस। लेकिन यहाँ से आगे मैं मतलब एक बिल्ड ऑफ वीडियो बनाऊँगा और एक बिल्ड इन वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस यहाँ से आगे ऐसे मतलब 3-4 दिनों में वीडियोज आते रहेंगे। तो बनाते इंगट, माय गॉड गाइस पूरे के पूरे 8 इंगट बना दिए हमने। तो सब कुछ निकाल लेता हूँ, डालते हैं इसको स्मिथिंग टेबल में और यहाँ पे डाल लेता हूँ मैं इंगट। और गाइस फाइनली यार नेदरराइट का आर्मर हमारा। तो गाइस मैंने सारा सामान ले लिया है, मतलब कर दिया है कन्वर्ट। तो मैं इनको पहन के दिखाता हूँ आपको। आपको मैं अलग एंगल से दिखाता हूँ, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, अलग एंगल से दिखाता हूँ, रुको फ्रंट से दिखाता हूँ। गाइस यार देखो हमारा पूरा नेदरराइट का आर्मर कंप्लीट हो गया। लेकिन गाइस ऐसे तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे लगता है इसमें सस्ती सी कुछ तो एन्चेंटमेंट लगानी पड़ेगी ताकि ये ब्लू ब्लू दिखे, जो कि बहुत मस्त फील देता है। तो कुछ भी लगा दूंगा मैं इसमें, मेरे पास इसमें लैपिस लजूली है फिर पड़ा हुआ, तो इसको मैं एन्चेंट कर देता हूँ। पहले निकालना पड़ेगा मुझे ऐसा आर्मर। गाइस यार मैं सोच रहा हूँ कि कुछ स्कीम रख ले हमारे लिए। तो मैंने लगा दिया अनब्रेकिंग, इसमें लगाता हूँ मैं प्रोटेक्शन लगाता हूँ इसमें लगाता हूँ, इसमें प्रोटेक्शन ही लगाता हूँ, और बूट्स में इसमें तो एक ही है खाली, फिर प्रोटेक्शन ही, सारे प्रोटेक्शन, तलवार में भी लगाता हूँ। तो गाइस यार क्या ही मस्त दिख रहा है। गाइस कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना, लाइक टू वीडियो। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस यार 20 तो हो गए हैं हमारे पास नेदरराइट्स, तो उसके आगे हमें और चाहिए, मतलब इससे तो हमारा पूरा आर्मर तो बन जाएगा। लेकिन यार टूल्स बनाने हमें मेन तो नेदरराइट के, मतलब आर्मर भी इम्पोर्टेंट है लेकिन टूल्स हुए तो अच्छा हो। गाइस यार मैं नीचे गिर गया गलती से, रुको ऊपर जा, मैं तो स्ट्रेट माइनिंग कंटिन्यू करने वाला हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे लगता है मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे मुझे बहुत डेंजरस लावा दिख रहा है, तो देखते हैं। बिन काम के रिस्क ले रहा हूँ यार गाइस।
चार रिंग भी खत्म हो गई। तो मुझे लगता है मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। देखता हूँ आसपास कुछ है क्या। गाइस मुझे लगता है मैंने पीछे बहुत सारे डेब्रिस छोड़ दिए हैं, क्योंकि मैं एकदम स्ट्रेट डिगिंग करते हुए आया हूँ और आसपास मैंने कुछ देखा भी नहीं। तो देखता हूँ मैं वापस जाते समय, इधर देखता हूँ पहले। ओ गाइस मैं छोड़ गया था डेब्रिस इधर। यार कितना बेवकूफ़ आदमी हूँ यार मैं। दो डेब्रिस है इधर। ओ माय गॉड इसके पीछे और एक है, तीन है शायद। चार है, चार। ओ माय गॉड अब तो हमारी तलवार भी नेदरराइट की बनेगी। मुझे लगता है पिकैक्स बनानी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा यूज होती है। तलवार तो खैर अभी तो इतना यूज नहीं है, क्योंकि अभी तो एंडर ड्रैगन को मारना है। तब भी तो देखेंगे, तब तक तो हम लोग मतलब फार्म बना लेंगे। वो मैं सीधा स्ट्रेट। ओ गाइस यहाँ पे भी मैंने छोड़ दिए थे दो एंशिएंट डेब्रिस। तो गाइस यार कितना भुलक्कड़। ओ इसके ऊपर और एक है गाइस यार, इसके ऊपर। यस गाइस हमारी अब पिकैक्स भी बन जाएगी नेदरराइट की, और स्वॉर्ड भी बन जाएगी। यार कितना मस्त माइनिंग चालू है। ये वीडियो बहुत एपिक था गाइस। एक वीडियो में पूरा नेदरराइट आर्मर प्लस पिकैक्स और स्वॉर्ड। तो देखते हैं और कहाँ पे छोड़। ओह अबे इतने इतने क्लियर एंशिएंट डेब्रिस मुझे दिखते नहीं यार, अब पागल आदमी हूँ मैं। दो एंशिएंट डेब्रिस यहाँ पे भी थे उनके आस। ओ इधर भी है। ओ माय गॉड इधर और दो है। 32 गाइस यार इसमें तो हमारे सारे के सारे टूल्स, मतलब सारे के सारे नहीं, हमारे मेन चार टूल्स नेदरराइट के बन जाएंगे, और हमारे आर्मर भी नेदरराइट का बन जाएगा। ओ भाई क्या एपिक यार। 32 में तो हमारा आर्मर भी बन जाएगा और सारे टूल्स भी बन जाएंगे। तो चलिए मैं अब घर पर जाता हूँ। मुझे यहाँ से गोल्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि इंगट बनाने में गोल्ड की भी ज़रूरत होती है। तो ले लेता हूँ यहाँ से। मैंने रास्ते में भी बहुत सारा गोल्ड उठाया है, तो चलते हैं घर पे। गाइस मुझे लग हाँ यहाँ पे भी गोल्ड है, ये भी लेके चलता। तो मैं मिल गाइस मैं आ गया हूँ ओवर वर्ल्ड में। तो गाइस यार अब हम लोग बना। वो गाइस क्या मस्त लग रही है हमारी तलवार, मैंने ऑब्सीडियन से बनाई है पूरी। बहुत मेहनत लगाई लगी थी इसको बनाने में, इसलिए तो मेरी पिकैक्स की हेल्थ इतनी कम हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑब्सीडियन तोड़ के लाए थे। तो गाइस यार बनाते हैं इंगट, तो मैं इनको डालता हूँ स्मेल्टिंग के लिए। तो गाइस मैंने इनको स्मेल्टिंग के लिए डाल दिया था, और गोल्ड भी बना लिया था, और स्मिथिंग टेबल भी बना लिया था। तो चलिए कलेक्ट करते हैं यहाँ से स्क्रैप, और इससे बनाते हैं इंगट्स। मैंने सब में थोड़े थोड़े डाल दिए थे, और सारे कलेक्ट करता हूँ। गाइस यार अब तो बहुत मज़े आने वाले हैं खेलने में। ख़त्म इतने ही है, तो इनसे बनाना पड़ेगा मुझे पहले इंगट। तो चलिए बनाते हैं। इसकी रेसिपी क्या थी? हाँ ऐसे चार चार। तो गाइस यार टोटल 8 इंगट बना लिए हमने। तो हमारा आर्मर उतार लेते हैं और इसको कन्वर्ट कर दें नेदरराइट में। तो चलिए गाइस मैं डालता हूँ इनको इसमें। तो गाइस यार हमारा फाइनली हेलमेट बन चुका है नेदरराइट का। अब चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स, और मैं सारे कुछ सब कुछ बना के तैयार हो गया हूँ। तो आपको दिखाता हूँ फ्रंट व्यू से। तो पहन लेता हूँ पहले मैं सारा। गाइस यार क्या ही मस्त लग रहा है। गाइस मैंने सारे टूल्स भी नेदरराइट के कर लिए।
और चलिए अब दिखाता हूँ आपको फ्रंट वर्सन से। तो गाइस यार क्या ये मस्त फील आ रही है, लेकिन यार गाइस ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसको कुछ तो एनचेंट करते हैं, सस्ती से एनचेंटमेंट लगाते ताकि ये ब्लू ब्लू जो दिखता है ना, मतलब ब्लू हो जाता है, वो मस्त वाइब देता है नेदरराइट के आर्मर में। तो मेरे पास लैपिस लाजुली थी, माइनिंग पे गया था तब मुझे मिली थी। तो चलिए इसको हम लोग सस्ती से एनचेंटमेंट कर देते हैं, बाद में हम लोग इसको मस्त मेंडिंग में फायर प्रोटेक्शन सब कुछ लगाएंगे, थॉर्न्स वगैरह। और फिर तो गाइस यार एंडर ड्रैगन की तो खैर ही नहीं, वो भी जल्दी आने वाला है, वो भी दिन जिस दिन एंडर ड्रैगन की मौत होने वाली है और हमारा वर्ल्ड आज़ाद हो जाएगा। तो मैं इसमें लगाता हूँ प्रोटेक्शन और लेगिंग्स में प्रोटेक्शन ही लगाता हूँ। तो गाइज यार क्या ये मस्त दिख रहा है ये, और मैंने तलवार में भी लगाया था शार्पनेस 1। तो गाइज यार बहुत मस्त फील आ रही है। तो गाइज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।